हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट नंबर 7, जिसमें ट्रायल बैलेंस मैंने बोला था होमवर्क के लिए आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने किया नहीं होगा, ठीक है ना? कुछ लोगों ने किया है, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए, आप लोग मेरे एक्सपेक्टेशन में पूरे खड़े उतरते हैं, तो इसको कर ही लेते हैं कि कैसे इससे ट्रायल बैलेंस बनेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना? अब इसी को देख करके हम लोग क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सब लोग को पता है, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, एबिट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना? इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाक से। तो ये देखिए फॉर्मेट मैंने बना रखा है, यहीं पे हम लोग उतार देंगे। बीच में कुछ रो की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मेट सबको बनाने आता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले चीज़ क्या है? सबसे पहली है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग उतारेंगे, एसेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट देखिए कितने अमाउंट से, 70,000 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 70,000, ठीक है? फिर अगला जो देखिए क्या है, अगला है शेयर्स इन एपेक्स लिमिटेड, यानी कि शेयर्स में हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? तो शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो ये भी तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही हुआ। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट होती है। तो देखिए कितना है, 10,000 है, तो यहाँ पे जाएगा 10,000। क्लियर? डेबिट बैलेंस है। सबको ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस किसका होता है नॉर्मली और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। नहीं है तो किनारे नोट कर लिया कीजिए। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका डेबिट बैलेंस मिलेगा आपको, जो इनकम होते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस मिलता है, जो एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस, जो लायबिलिटी होती है उनका क्रेडिट बैलेंस, ओके, जो ड्राइंग होता है उसका डेबिट बैलेंस, और जो कैपिटल, ठीक है ना? कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी, सो आपको पता ही है। ड्राइंग तो सबको पता है डेबिट होता है। मेन ये चार अकाउंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और अगर किसी को एक्सपेंस ही नहीं पता है, एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, अगर आपको ये ही नहीं पता है तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे, ठीक है ना? आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे। ओके, सो आप देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला क्या है देख लेते हैं हम लोग। अगला है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, ये भी तुम्हारी एसेट ही है। एसेट्स होगा तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अमाउंट कितना था? अमाउंट है 20,000, ठीक है? अगला है रेंट रिसीव, ठीक है? तो रेंट रिसीव्ड हमारे लिए बताइए क्या है? इनकम है। तो बैलेंस कैसा होना चाहिए जल्दी बताइए? क्रेडिट होना चाहिए, ये भी 20,000 से, ठीक है? नेक्स्ट अगला दे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये बताइए क्या चीज़ है? एक्सपेंस है ना? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन बोला? इनकम, एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना ना, ये भी कितना है? 20,000 डेबिट हो जाएगा ना। अगला जो देखिए प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस हमारे लिए क्या है? ये भी तो एक्सपेंसेस ही है, तो एक्सपेंस है तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। कितने से था? 5,000 से। अगला है हमारा इनकम टैक्स पेड। तो जो देखिए इनकम टैक्स पेड, ये भी तो खर्चा ही है, इनकम टैक्स पेड खर्चा है, तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। कितना था? इट्स 2,000। अगला जो देखिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी होती क्या है? एसेट है। एसेट है तो कैसा बैलेंस होना चाहिए? कितना था? 20,000। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी बताइए होता क्या है? ये भी तो एक्सपेंसेस ही है, ये भी क्या होगा? डेबिट है। कितना अमाउंट है? क्लियर है? 1,000। 10 बढ़वा दिए, चलो कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट अगला जो देख सकते हो, अगला है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बताइए क्या होती है? एसेट होती है। एसेट से तो क्या होगा? अमाउंट 20,000।
मेडिकल अगला है मेडिकल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस ही है। एक्सपेंस है तो क्या होगा, कितना अमाउंट है, 5,000। नेक्स्ट, तो सैलरी जब दे रहा है तो सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस ही है, ये भी क्या होगा, कितने से है। अगला टेलीफोन चार्जेस, ये क्या है बिजनेस के लिए, ये भी तो एक्सपेंस है, कितना है, 5,000। नेक्स्ट रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ये भी तो एक्सपेंस है, कितना था, कितना अमाउंट है। रिपेयर एंड बिल्डिंग है, 1,000 है। ओके, अगला जो देखिए क्या करना है, एक्यूमुलेटेड फंड, दिस इज रिजर्व्स, ट्रेड बैलेंस होगा 1,80,000। हाँ, ये रिजर्व्स है एक तरह का। ओके, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये भी खर्चा है, नगर निगम का जो टैक्स दे रहे हैं, खर्चा है, कितना है, 1,000। लास्ट पॉइंट डिविडेंड रिसीव, ये इनकम है ना, डिविडेंड रिसीव इनकम है, कितने से, 10,000। ओके, फाइनली देखो दोनों तरफ का टोटल अपने आप इक्वल, ये फंक्शन ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ था सम वाला, यहाँ पे भी सम का फंक्शन लगा है, फाइनली दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया, 2,10,000। आपका ओके, सो जस्ट क्रेडिट साइड में देखो कितनी चीजें आ रही है, क्रेडिट साइड में सिर्फ तीन चीज आ रही है, फर्स्ट रेंट रिसीव आ रहा है, एक्यूमुलेटेड फंड आ रहा है, और डिविडेंड रिसीव आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये टोटल है आपका, क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है, समझ गए। अब अगर इसके बेसिस पे अगर आप क्या करना चाहते हैं, हालांकि इसमें देखो परचेज सेल्स नहीं दिया है, तो इस पे फाइनल अकाउंट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेट मतलब मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं कर रहे। ओके, अगला जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया जाए। कह रहा है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट, करेक्ट देम, है ना, इन द सेम। तो अब इसको जो देखते हैं, सही करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल क्या होना चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो चलिए पहले तो इसको फॉर्मेट को एक और बना लेते हैं, फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, नीचे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक्सेल उक्सेल में देखिए इसीलिए अच्छा लगता है, क्योंकि जी फॉर्मेट वॉर्मेट में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, चलाने में मज़ा आता है एक्सेल को, और एक्सेल पे टच हमेशा बना रहता है। बस बस बस, उसको लिंक करना कहते हैं, लिंक होता है उसको लिंक करना कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक्सेल में पेस्ट लिंक पढ़े थे ना, तो पेस्ट लिंक का काम वही करता है। वैसे कुछ अमाउंट में गलतियां भी नहीं होती, टाइप करने में कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो सही करो अपने आप, और सम भी लगा लेते हैं, चेंज कर हाँ, लेते हो ना, मैनुअल करोगे तो कहीं बैठ के कैलकुलेशन फिर से करो। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल है ना, तो कैपिटल उठा के रख देते हैं पहले। कैपिटल, कैपिटल कितने से था, कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख रुपए से क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। ओके, कैपिटल के बाद देखो अगला फिगर क्या है, अगला है बिल्डिंग, बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट है। तो अभिषेक क्या होगा, बिल्डिंग डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, बिल्डिंग क्या होगा, डेबिट होगा 25,000 से। ठीक, अगला जो देखिए सन्ड्री डेटर है। ओके, तो डेटर का बैलेंस क्या होता है, नेचर से ही पता चल रहा है, डेटर से डेबिटर का डेबिट बैलेंस होता है 50,000 है, तो ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो देखिए क्या है, डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड रिसीव क्या होती है, इनकम है बिजनेस के लिए, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट है,
ओके 10,000 हमेशा एक जीरो कम कर रहे हो बढ़ा दे रहे हो तुम। चलो सुमित कोई नहीं। अगला क्या है, डिविडेंड रिसीव के बाद अब कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है 5,000 रुपये, तो कमीशन रिसीव है, ये भी इनकम है, कितने से 5,000। यहाँ देखो फॉर्मेट मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई टेंशन नहीं बाद में सही कर लिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कमीशन रिसीव के बाद फिर क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट है, डेबिट होना चाहिए 1,500 रुपीज। ओके नीचे देखो सम लगा है, फंक्शन है तो ऑलरेडी टोटल होता जा रहा है। अगला देखिए यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में एसेट होती है, लेकिन चलिए यहाँ तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे हम इसे। तो 500 रुपये है, कितना हो जाएगा 500। अगला जाए देखिए क्या है, अगला है परचेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग परचेज है, कितना 98,000। फिर क्या है अगला, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स कितने से है, 60,000। सेल्स से 60,000 से, चलिए 60,000 क्रेडिट होगा ना, सेल्स इनकम है। अगला अब तो कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको याद है मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं रखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख देते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, और जब जर्नल एंट्री नहीं बनती उसका लेजर नहीं बनता तो उसको ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कितना है 1,000, पर हाँ अगर कभी देखने को मिल जाए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, समझ लो वो बिजनेस का लास्ट ईयर होगा या ऐसा कुछ होगा, और क्लोजिंग स्टॉक उस केस में क्या होता है, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक जब बाहर होता है उसको दो जगह दिखाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में, लेकिन यहाँ पे उस केस में क्या होगा, सिर्फ एक ही जगह दिखाएंगे, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दूँ या तो बैलेंस शीट के एसेट। चलिए क्योंकि आप सभी को पता है कोई चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो यानी उसकी डबल एंट्री सिस्टम हो चुकी है, दो एस्पेक्ट निकल चुके हैं, सिर्फ एक ही तरफ हमें से रिकॉर्ड करना होता है। तो ये देखिए फॉर्मेट में कैसे सही का, बीच में दो बॉर्डर्स आ गए ना, इसको करने के लिए सही पहले मैं नन कर दूंगा, नो बॉर्डर, फिर से थिक बॉक्स, थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा दो, हो गया सही फॉर्मेट, क्लियर। तो ये हम लोग का देखिए 1,75,000, 1,75,000 सही हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा अमाउंट था इसको हमने आउटसाइड कर दिया। अब इसको देख करके हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है, तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में मैंने फाइनल अकाउंट आप लोग को सीधे बनाना सिखाया है, बट आज हम लोग थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझेंगे फाइनल अकाउंट को। फाइनल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, जिसको हम लोग कई लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, क्या था ये टॉपिक, ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया। ट्रायल बैलेंस का एक और क्वेश्चन है जो देख लीजिए सब लोग, इसमें तो ये था ना ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, फिर एक ट्रायल बैलेंस का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये देखिए कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पास द जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम इन टू द लेजर एंड देन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, है ना, जर्नल एंट्री है इसका, लेजर जर्नल एंट्री बनाइए, लेजर बनाइए और ट्रायल बैलेंस बनाइए, बराबर आ जाना चाहिए। देखिए ये फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में देखो सबसे पहली चीज क्या दे रखा है, द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाई अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट, है ना, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक। ये कब बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, सही है, जबकि जर्नल एंट्री डेली होती है, लेजर हम मंथ के एंड में बनाते हैं, सही है कि नहीं सही है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग्स, सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस कोई अलग अलग नहीं बनता, दोनों साथ में ही बनता है, अटैच्ड होते हैं। सवाल उठता है सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजिशन को जानने के लिए, जो कि हम लोग शुरू से ही समझते आ रहे हैं डे वन से। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना। कोई आपसे पूछे क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। सवाल उठता है सर ग्रॉस प्रॉफिट होती क्या, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ऐसी प्रॉफिट जिसमें अभी भी कुछ खर्चे शामिल हैं, कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। द ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो शोज द टोटल सेल इनकम लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, सेल में से हम लोग क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कितनी लागत थी सामान की। एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, दिस गिव्स द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। बाकी ये स्पेसिमेन दे रखा है ना, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं ना सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेंस साइड है या इनकम साइड है वो तो पता है आप लोगों को शुरू से ही, तो इसमें सबसे पहली चीज़ दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ये चीज़ ये समझ लो ना, पहला प्लेस फिक्स है, रिजर्व कर लिया है, किसने रिजर्व कर लिया, ओपनिंग स्टॉक ने। अच्छा जिस साल बिजनेस का पहला साल होगा, जिस साल बिजनेस की लाइफ का पहला साल होगा उस साल पक्का ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, क्यों, कुछ बैलेंस ही नहीं उठ के आएगा, तो ये चीज़ कॉमन सेंस है, सबको समझ में आता होगा। ओके तो क्या करते ओपनिंग स्टॉक तब यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सीधे स्टार्ट करेंगे किससे, परचेज से, लेकिन सेकेंड ईयर से, यानी उसके बाद पहले साल लाइफ के फर्स्ट ईयर के बाद, उसके बाद तो सब्सिक्वेंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक जरूर आएगा, परचेज होगा, परचेज में से अगर कोई रिटर्न आउटवर्ड, दैट मीन्स परचेज रिटर्न हुआ है तो उसको लेस कर लीजिए अंदर ही और उसको फाइनल अमाउंट बाहर दिखाइए, समझ रहे हैं। अगर हमने इस साल परचेज किया था सपोज करो 400,000 रुपये और उसमें से हमने रिटर्न कर दिया 20,000 रुपये, तो नेट परचेज कितने की थी, तो नेट परचेज फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा एग्जांपल, 500,000 की परचेज किया था, 20,000 का वापस किया, बताइए कितना होता, 480,000, तो नेट परचेज हुआ 480,000। कई लोग आपसे पूछते हैं अच्छा नेट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सही है। वेजेस कितना, वेजेस दे रहे, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कैरेज इन, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है फ्रेट, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस। और इस साइड इनकम साइड में सबसे पहली चीज दिखाई जाती है, ये पहला प्लेस फिक्स है, रिजर्व है, किसके लिए, सेल्स के लिए, सबसे पहले सेल्स दिखाते हैं, उसमें से लेस कर देंगे अगर सेल्स रिटर्न है तो, सही है। फिर इसके बाद कोई अगर अदर डायरेक्ट इनकम है तो दिखा दीजिए, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये तो चीज़ छोड़ ही दो, क्लोजिंग स्टॉक, सीधे सेल और क्लोजिंग स्टॉक की बेसिकली आता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल क्या है, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, इन डिटेल से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। परचेज दे रखा है, सबको पता है परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सही है। सेल्स आपका डायरेक्ट इनकम है, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज इनवर्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, ध्यान रहे, क्यों, ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। कैरेज आउटवर्ड बेचते समय ये भाड़ा दिया तो ये भी तो इनडायरेक्ट हुआ, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। सेल्स रिटर्न, हाँ सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या कर दीजिएगा, लेस। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्रेडिट में दिखाना है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिखाना है, ठीक है। फिर इन्होंने देखो बना दिया, सही है, तो चलिए इसको हम लोग खुद ही ड्रॉ करते हैं, खुद ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा समझ में। सैलरी है, सैलरी बताओ क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सही है ना। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से बनाते हैं हम लोग, तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ये देख लीजिए। ये हम लोग का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट था, इतना पार्ट हम लोग उठा लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, या छोड़िए हम लोग बना ही देते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, इसमें हमेशा लिखते हैं फॉर द ईयर,
फॉर द ईयर क्यों पूरे साल भर का होता है ना, ईयर एंडेड। मान लीजिए कब का है, 31 मार्च 2021 का है। ओके सो ये हमने हेडिंग डाल लिया। हमें क्या चाहिए होगा, चार कॉलम चाहिए होंगे। सबसे पहला क्या चाहिए होगा, पर्टिकुलर। फिर क्या चाहिए होगा, अमाउंट डेबिट। फिर क्या चाहिए होगा, पर्टिकुलर। फिर क्या चाहिए होगा, अमाउंट क्रेडिट। ये फॉर्मेट हम लोग का बनता है। ठीक, ठीक है। देन लास्ट, देन इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हो गया। इसको बॉर्डर लगा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप लोग को अभी दिख नहीं रहा होगा, सो जूम कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे पहली चीज आपको याद है, बताया था मैंने, रिजर्व फिक्स होता है। ये रिजर्व है पहला प्लेस किसके लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए। ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके नीचे क्या दिखाते हैं, टू परचेज दिखा देते हैं। सही है कि नहीं सही है, परचेज दिखा देते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न है तो वहीं लेस कर देंगे, है ना। और इधर सबसे पहला प्लेस किसके लिए होता है, सबको पता है। तो जो पहले मेरा फिक्स प्लेस है, मैंने वहाँ पर लिख दिया। अगर इसमें से कोई क्या होता है, सेल्स रिटर्न अगर है तो उसको लेस कर देंगे। और यहाँ पे परचेज में से लेस कर देंगे क्या, अगर कोई परचेज रिटर्न अगर होगा तो। सही है कि नहीं सही है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखो, ओपनिंग स्टॉक पहले दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना था, जल्दी से क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखा देते हैं, 2000 था। तो 2000 हम लोग यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं। जो चीज़ पहले पता है हम उसे उठे उठा के रख दे रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी पता है 5000, तो यहाँ पे मैं 5000 टाइप कर दे रहा हूँ। सही है। और देखिए सेल्स कितना है, सेल्स हमारा है 150000 और सेल्स रिटर्न भी है 5000। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर दिखाते हैं। इनर कॉलम एक बना लेना चाहिए था हम लोग को, बना ही लेते हैं। क्या करना है, एक इनर कॉलम बना लेते हैं। इनर कॉलम बनाने से होगा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंदर कैलकुलेशंस कर लेंगे, समझ रहे। इस पे बॉर्डर मत लगाइएगा। अब देखिए इसमें है कितना सेल्स हमारा, 150000, 150000। अच्छा यहाँ पे 5000 क्लोजिंग स्टॉक था ना, मैं सेल्स रिटर्न में क्यों लिखा हूँ भाई, क्लोजिंग स्टॉक ये था ना 5000। अच्छा सेल्स रिटर्न कितना था, या देख लीजिए, सेल्स रिटर्न आपका था 5000। अच्छा नहीं, सही दिखाया था मैंने, अंदर दिखाइए। अब इसको लेस कर दीजिए, 150000 में से माइनस हो जाएगा, 145 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी आई थिंक 5000 था, क्लोजिंग स्टॉक भी 5000 है, क्लोजिंग स्टॉक 5000 उतार दीजिए। अब यहाँ परचेज और परचेज रिटर्न, आई थिंक यहाँ पे भी हम लोग एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, इनर कॉलम क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। हल्के फुल्के कैलकुलेशंस के लिए हम लोग बना सकते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं। सही है। अब देखिए परचेज कितना है, परचेज हमारे पास है 1 लाख का। कोई परचेज रिटर्न है, नहीं कोई परचेज रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न अगर नहीं है, सॉरी परचेज कितना था 1 लाख, कोई परचेज रिटर्न तो है नहीं, जीरो। अगर कुछ होता तो लेस कर देते हैं इसमें से माइनस, बट कुछ नहीं है, सेम अमाउंट आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल सा करना है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इधर दिखाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इधर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से देखते जाइए, परचेज हो गया है, सेल दिखा चुके हैं, वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कितने से है, वेजेस 10000। सही जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान रहे,
यहाँ पे टू लिखना भूल गए हम लोग, यहाँ क्या आ जाएगा टू वेजेस, इधर टू लिखते हैं इधर बाई लिखते हैं, भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना। अगला है कैरेज इनवर्ड, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हाउ मच, कितना है, 10,000, ये भी 10,000 है। ओके नाउ नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है, ऑफिस रेंट, क्या है ऑफिस रेंट, तो भाई अच्छा फैक्ट्री रेंट आएगा, ऑफिस रेंट नहीं आएगा, फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री रेंट था कितना, फैक्ट्री रेंट देखो 5,000 है, सही है। अब देखो ऑफिस रेंट आएगा नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से घटा चुके, क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुके, ओपनिंग स्टॉक दिखा चुके, आपको पता है सैलरी होती है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी आएगा नहीं, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। बस इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, दैट मीन्स टोटल करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले तो टोटल के कॉलम में किधर का टोटल लिखा जाएगा, जिधर का टोटल अधिक होगा, तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड भी देख रहा है। देखो इनकम, इनकम ज्यादा है, इक्वल टू सम, ठीक है, हमने इसको सम कर दिया, आ गया 1,50,000। यहाँ पे भी वही रहेगा 150, लेकिन इधर कम पड़ रहा है, देखिए कितना कम पड़ रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा सम ऑफ जितना भी ऊपर रहेगा, सही है, 23,000। ये क्या रहा तुम्हारा, टू जी नहीं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हालांकि ये भी क्या होता है, कैरेट डाउन होता है, पीएल अकाउंट में जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सब लोग को, तो ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को दिखाते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, है ना, इधर डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर डायरेक्ट इनकम, और फॉर्मेट ये पहला दो प्लेस फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज के, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी ऊपर नीचे करके दिखाइए, कोई टेंशन नहीं है। पहला ऊपर रहना चाहिए, हाँ, ओपनिंग स्टॉक फिर सेल्स, और यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या दिखाते हैं, सेल्स। ओके तो ये तो क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग को आगे पढ़ना है क्या, पीएल अकाउंट। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए आपके इसी में ना असाइनमेंट दिया है, तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, या इसमें बुक में भी दे 23,500 क्यों आ रहा है, अब सही है, ठीक है, बुक में थोड़ा गड़बड़ था। आगे देखिए यहाँ पे ये असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद कर लेंगे, मेरे ख्याल से होमवर्क है, ये आप लोग कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, परचेज ठीक है 5,50,000, इसमें से लेस हो जाएगा। पेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी ये सब कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में ही ना, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये तो सारा का सारा रिलेटेड है ट्रेडिंग से, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सो ये कंप्लीट हो बना लेंगे आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया, ये होमवर्क। अगला देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, है ना, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस, है ना, टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम के बीच का डिफरेंस होता है, वही होता है आपका। दिस अकाउंट शोज हाउ सक्सेसफुल्ली इफिशियंट द बिजनेस इज बींग रन, नेट प्रॉफिट आपको एग्जैक्टली बताता है कि कैसे आप बिजनेस चला रहे हो। स्पेसिमेंट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, जब देख लो नेट प्रॉफिट, पहला तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इधर, अगर लॉस होता तो ग्रॉस लॉस तो इधर आता, फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इधर लेके आते हैं, सही है। और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं लाइन से इधर दिखा दिए, और यहाँ पे कोई वो नहीं, सीक्वेंस नहीं होता है ऊपर नीचे कैसा भी, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ रखने हैं आपको, सारे इनडायरेक्ट इनकम यहाँ रखना है। अब अगर इनकम ज़्यादा आती है, एक्सपेंस कम आता है, तो यहाँ क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, सही है, और ये हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल सीधे, समझ गए। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है, क्या प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, यहाँ पे दे रखा है सैलरी है 5,000, कमीशन रिसीव है 1,250 रुपीज़, डेप्रिसिएशन है, कैरेज इनवर्ड है, कमीशन है, और ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 15,000 है, सही है, और बैड डेट्स दे रखा है, ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले हमको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए ट्रेडिंग में, सॉरी पीएल में, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दे ही दिया है, क्यों, तो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होता है, इसी तरह से होता है, ट्रेडिंग के फॉर्मेट के नीचे ही होता है एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस हो गया। ओके अब यहाँ पे आपको पता है इनडायरेक्ट खर्चे दिखाने हमें, इनर कॉलम रहने दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। इनर कॉलम में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा, क्रेडिट साइड प्रॉफिट इनकम होती ना, इनकम साइड में तो आएगा, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट, और हाँ यहाँ क्या लिखते हैं, वहाँ कैरी डाउन लिखते हैं, यहाँ ब्रॉट डाउन ओपनिंग उतारते हैं जो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितनी थी, 15,000 थी, कितनी थी 15,000, क्लियर। अब अगला जो देखिए, अगला क्या है, अगला है सैलरी, तो सैलरी बताइए खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पक्का इधर एक्सपेंस साइड में होगा, तो यहाँ आ जाएगा टू सैलरी अकाउंट, कितने से 5,000, सही जा रहा है। अब जो देखिए यहाँ पे कमीशन रिसीव, ये तो इनकम है ना जी, 1,250 रुपये आ रहा है, तो इनकम है, तो बाई कमीशन रिसीव कितने से 1,250, सही जा रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। अब अगला जो देखिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे लिए नुकसान है ना, तो ये हमारे लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको कहते हैं 750 रुपये, 750, सही है। नाउ नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, कैरेज आउटवर्ड था 1,250 रुपीज, ये भी ठीक है। अगला जो देखिए क्या है, कमीशन पेड, कमीशन पेड हमारे लिए क्या है, कमीशन पेड हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कमीशन पेड देखिए कितना है, कमीशन पेड है हमारे पास 2,000 रुपीज, समझ गए। कमीशन पेड के बाद फिर क्या, ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ऑफिस रेंट 700, ठीक है। अगला जो देखिए डिविडेंड रिसीव है, डिविडेंड रिसीव हमारे लिए क्या, इनडायरेक्ट इनकम है, क्यों डिविडेंड रिसीव हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, तो क्रेडिट में रहेगा ना, कितना था 800 रुपीज। अब जो देखिए क्या है अगला, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो उठा चुके हैं हम लोग, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, बेचने के बाद होता है, कितना था। अब देखिए टोटल के कॉलम में किधर का टोटल, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आई थिंक टोटल क्रेडिट साइड का देखिए इनकम ज्यादा है, तो यहाँ का टोटल देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 17,050 रुपीज, ये उठा लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा ना, इतनी इनकम हुई थी माइनस सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दें, सारे इनडायरेक्ट खर्चे ये सारे हुए थे, और जैसे ये इनडायरेक्ट खर्चे लेस होते हैं आपका आ गया नेट प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्यों सही है कि नहीं सही है, ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो 7,250 रुपीज़ आएगा। ओके यहाँ के सॉल्यूशन में भी देख लीजिए सेम होगा, सेम है ना। अब ये हो गया, इसको हम लोग टी फॉर्मेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को वर्टिकल फॉर्मेट में भी बना सकते हो, इसमें क्या होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में ऊपर पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें ऐड करेंगे सारे इनकम, ऐड कर लिया 2050, 17,050, इसमें से लेस कर दिए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, एकदम नॉर्मल फॉर्मेट है, क्यों। अब ये असाइनमेंट है, कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आकाश कंपनी, तो पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 85,000 रुपये, सैलरी लेस हो जाएगा, रेंट पेड लेस हो जाएगा, कंसल्टेंसी फी रिसीव है, ये इनकम है, ऐड हो जाएगा, ये सारे खर्चे लेस हो जाएंगे, क्यों, निकल आएगा नेट प्रॉफिट, तो
तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, लाइबिलिटी और असेट्स। सही है। अब अगर किसी को एसेट के बारे में नहीं पता, हम लोग स्टार्टिंग में एसेट के बारे में पढ़ रखे हैं, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट एसेट, फिक्टीशियस एसेट्स, काल्पनिक एसेट्स, है ना। तो इसमें मेनली आप लोग को फिक्टीशियस एसेट्स ही समझना है। फिक्टीशियस एसेट्स कहते हैं किसे, एसेट्स क्रिएटेड बाय एन अकाउंटिंग एंट्री। याद है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था हम लोगों ने। कोई खर्चा किया 5 साल का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको हम लोग बांट देते हैं, तो हम उसको एसेट में दिखाएंगे 4 साल, 5 साल तक वो एसेट में शो करते रहते हैं ना। तो वो क्या होता है, वो रियल में कोई एसेट थोड़ी ना होती है, बस वो एंट्री के जरिए जबरदस्ती दिखा रहे होते हैं। जैसे तो दिखाया, एक्युमुलेटेड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, है ना। फिर आपको लाइबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिक्स लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं पता है तो पढ़ लो भाई कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज मतलब आर कंडीशंस विच इज एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट डेट एंड आउटकम ऑफ विच कैन ऑनली बी कंफर्म्ड ऑन द ऑक्यूरेंस एंड नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ वन, क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स मतलब कल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर, हमको पता हमने कोई गलत काम किया बिजनेस में, और अगर और टैक्स डिपार्टमेंट ने शायद पकड़ भी लेंगे तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि अभी पेनल्टी लगी नहीं है, लग सकती है। या डिस्काउंट ऑफ बिल रिसीवेबल, या छोड़ो, सबसे अच्छी चीज़ होती है जैसे कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है, अगर हमारी कंपनी वो केस हार गई तो कंपनी को पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपए। लेकिन आज 31 मार्च है, आज हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन अभी वो केस चल रहा है, क्या है, तो क्या करेंगे हम, क्या लाइबिलिटी दिखा दें, नहीं ना। तो हम कंटीजेंट लाइबिलिटी को पहली चीज़ तो ये ट्रेडिंग पे, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, इसको बैलेंस शीट के बाहर एज अ फुट नोट दिखाते, जो लिखा भी है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर डिस्क्लोज्ड एज अ फुट नोट एट द बॉटम ऑफ द बैलेंस शीट। समझ गए, तो नीचे हम दिखाते हैं इसको। तो समझ गए ना किस तरह की लाइबिलिटी है। मान लो हमारी कंपनी है, हमारे इंश्योरेंस की कंपनी है, तो बहुत सारे क्लेम्स हुए होंगे, आज 31 मार्च है, आज भी बहुत सारे क्लेम्स हुए होंगे, लेकिन उसका पेमेंट तो अभी हमने किया नहीं है, तो वो सारी किस में दिखाई जाएंगी, कंटिजेंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल तो सबको पता है, स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट देखो यही होता है। बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन लिखते हैं, क्योंकि ऑन अ पर्टिकुलर डे का बैलेंस शीट है। अभी इधर देखो लाइबिलिटी दिया है, अब लाइबिलिटी देखो यहाँ पे दे रखा है कैपिटल। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं, उसमें रिजर्व्स, अच्छा कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर लीजिएगा, और क्या करिएगा, ड्राइंग है तो उसको लेस कर लीजिएगा। रिजर्व्स फिर दिखाते हैं, लोन्स दिखाते हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज दिखाते हैं। मतलब ये हेडिंग्स हैं, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ये सीक्वेंस है, मतलब एक फॉर्मेट एक अच्छे से बना सकते हो। एसेट साइड में सबसे पहले कौन सी एसेट दिखाई जाती है, और फिक्स्ड एसेट में भी सबसे ऊंच ऊपर क्या दिखाई जाती है, गुडविल, है ना। फिर आपको इन्वेस्टमेंट फिर दिखाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक अलग ही हेड है, क्या है ये, अलग ही हेड होता है ना ये, इन्वेस्टमेंट। फिर क्या है, करंट एसेट दिखा दीजिए, किसको दिखा दीजिए, करंट एसेट। सब लोगों को पता है ना करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्यों, स्टॉक, डेटर, रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब यहाँ पे देखो दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैलेंस शीट। डेटर क्या है, एसेट है, एसेट में जाएगा। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है। नेट प्रॉफिट पता ही है सबको, ये तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा ना, ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होगी, कैपिटल आपकी 3 लाख है। लोन इज अ लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट इज अ क्या होगा, ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। बिल्डिंग क्या है, एसेट। फर्नीचर क्या है, एसेट। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट। कैश एसेट्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, देना है ना लाइबिलिटी। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स। यहाँ देखो बनाए, ओपनिंग 3 लाख, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया और उसमें से ड्रॉइंग क्या कर दिया, लेस। फॉर्मेट नीचे हो गया, ड्रॉइंग लेस हो गया। तो फाइनली देखो टोटल कितनी कैपिटल बची है, 4,24,000। देन लोन कितना लिया था, 50,000। बैंक ओडी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल लाइन से दिखा दिया। इधर एसेट में सबसे पहले गुडविल दिखाया गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश। फाइनली दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो दिस इज द बैलेंस शीट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही था हमारा, और
और ये देखिए असाइनमेंट है प्यारा सा, कह रहा है कि बस इसको देख के बैलेंस शीट सीधे बस बनाना है, समझ रहे हैं? ड्राइंग फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक प्लांट मशीनरी, ठीक है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बैलेंस शीट बस देख के बनाना है, एक्सेल पे आप लोग इसके ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक, दैट्स इट। और फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें सब कुछ दिया है, इसको देख करके ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट सब एक साथ बनाना है, बात समझे? यहाँ देखो डेटर एंड क्रेडिटर दिया है, डेटर का बैलेंस 3 लाख है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना होगा? 1.5 लाख। परचेज सेल्स दोनों दिया, परचेज कितना होगा? 3 लाख। सेल्स कितना होगा? सेल्स का इनकम होता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। रिटर्न है, बता सकते हो ये कौन सा रिटर्न हो सकता है, ये कौन सा रिटर्न होगा? इट्स अ परचेज रिटर्न 10,000 रुपये, और ये सेल्स रिटर्न, लॉस होता है डेबिट होता है, तो ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। और बाहर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेट्स और ये सब, चलिए ठीक है। खैर पहले आप इतने पे फोकस करिए, इतना बस आपको आना चाहिए, बाकी हम लोग सीधे इसके बाद आप टैली पढ़ सकते हो, इतना पढ़ने के बाद आप सीधे टैली पढ़ सकते हो, इतना पढ़ने के बाद आप सीधे एसएपी पढ़ सकते हो, क्यों कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ सकते, इतना तो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आओ तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।